हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फॉरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज की जो नई अपडेट है वो है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL की तरफ से। और दोस्तों, NPCIL ने जो है अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है, यानी कि अगर आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर लें जो इस फील्ड में काम करते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है यह अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो दोस्तों, आपके जो रजिस्ट्रेशन है 25 अगस्त से शुरू होंगे और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 13 सितंबर, यानी कि आप इस दौरान जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए। सिंपली अगर ट्रेड की बात करते हैं, यानी कि किस ट्रेड में अप्रेंटिस की कितनी वैकेंसी निकली है, तो देखिए अगर आप फिटर से हैं तो यहाँ पर टोटल 30 वैकेंसी। इसके बाद टर्नर, मशीन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कोपा के, यहाँ पर इस तरह से टोटल 107 जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो दोस्तों, आपकी जो सैलरी होगी वो 7700 रुपया, और अगर आपने 2 साल का कोर्स किया ITI का तो आपकी सैलरी जो होगी वो 8855 होगी। और दोस्तों, अगर उम्र की बात करते हैं तो आपकी उम्र जो 18 से लेकर 24 के बीच में होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल सकती है। ट्रेनिंग टाइम की बात करते हैं दोस्तों, आपका जो ट्रेनिंग टाइम होगा 1 साल का होगा, यानी कि आपको 1 साल की अप्रेंटिस की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, आपको सिंपली जो है ITI की जो है आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका पहले सॉफ्ट ट्रेनिंग दिया गया, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, तो आप इसे देख सकते हैं, न्यूक्लियर ट्रेनिंग सेंटर यानी कि NTC राउत भाटा राजस्थान साइट PO, और इसके बाद अरुण शक्ति वाया कोटा जो है यहाँ पर जो है आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद आपके शारीरिक मापदंड बताए गए, तो दोस्तों आपको सिंपली मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए। आपकी ऊंचाई जो है यानी हाइट जो 137 सेंटीमीटर आपका वजन जो है वो हाइट के हिसाब से नापा जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपका सीना दृष्टि यानी कि चेस्ट मेजरमेंट विजन और यहाँ पर टिप्पणी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर चयन प्रीकेयर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं दोस्तों, आपका जो चयन है ITI में जितने मार्क मिले हैं उसी हिसाब से जो आपका चयन होगा। इसके बाद अगर जनरल कंडीशंस की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके बाद हाउ टू अप्लाई यानी कि अप्लाई कैसे करें, तो आप सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर दी गई है आप यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उन्हें NPCIL का एस्टेब्लिश रजिस्ट्रेशन संख्या जो है ये दोस्तों यहाँ पर एक संख्या दी गई है, जब आप रजिस्टर करोगे उसके बाद ये संख्या आपको फिल करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो है आवेदन स्वीकार नहीं होगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हमने पहले कर ली है, इसके बाद आगे चलकर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया, तो आपके डॉक्यूमेंट में आपके ITI का सर्टिफिकेट, आपके 10वीं का सर्टिफिकेट, साथ ही दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, और दोस्तों आपका शारीरिक असमर्थता त्याग पत्र, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से है आपका आधार कार्ड और आपके फोटो खींचा गया जो हाल में ही हो, तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको डालने होंगे। और ये सभी फोटोकॉपी जो है दोस्तों आपको अटैच करके आपका जो प्रिंट आउट होगा, आप जब अप्लाई करोगे तो उसके जो प्रिंट आउट होगा वो निकाल कर दोस्तों आपको जो भेजना होगा ये। हालांकि दोस्तों, आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके बाद आपको डिपार्टमेंट के पास भेजना है। तो दोस्तों, एड्रेस जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ था, मैंने एक बार पहले बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, आपका जो एड्रेस होगा वो देखिए। तो दोस्तों, ये है आपका एड्रेस, नाम भी क्या, प्रशिक्षण राउत भट्टा राजस्थान साइट, डाक अनु शक्ति 323-32-3303 वाया कोटा राजस्थान जो है ये आपका एड्रेस होगा, यहाँ पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन जो है वो भेजना होगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती की, आई होप आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।